हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज चार शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। बहुत बेहतरीन शेयर है, 2021 में ये शेयर धमाल मचा सकते हैं, और पहले भी ये शेयर धमाल मचाते हुए आए हैं। बहुत बेहतरीन रिटर्न्स है, तो उनसे रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज़ अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? सेबी रजिस्टर्ड इंडिया की नंबर वन ब्रोकिंग फर्म एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो फ्री में आपका अकाउंट ओपन करेगा और जीरो डिलीवरी चार्जेस है। तो आप पैसे बचाइए और एंजॉय करिए इसमें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो शेयर है वो आपकी तरफ है। इसका प्राइस देखिए लगभग 1400 आ चुका है। ओके, और बहुत पहले से मैं इसे वीडियो बनाता आया हूँ, और आपको मैंने 1100 पे भी बताया था, ये 1000 के आसपास चल रहा था तब भी बताया था, और बताया था कि ये वो शेयर है जो जो जब से निफ्टी 50 बनी है तब से ये शेयर एग्जिस्ट करते हैं, और हर साल 25 से 30% का रिटर्न देते हुए आए हैं। तो 25 से 30% का रिटर्न का मतलब आपको पता ही है, और हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि अगर 10 लाख रुपए 25 से 30 साल के 30 साल के लिए आप रखते हो और 30% के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते हैं, तो 30 साल में वो 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखे, देखिए मार्केट जब गिरी थी, ओके, 1200 1300 रुपये का शेयर चल रहा था, और 750 800 रुपये के पास ये शेयर आ गया था। उसके बाद ये आप देखिए तो लगभग आपको डबल ये रिटर्न्स देते हुए आया है। और ये शेयर को अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हैं ना, तो 5 रुपये का शेयर आज लगभग 1400 रुपये का शेयर है, ऑल टाइम हाई पे है, और देखिए हमेशा ऊपर की तरफ ही भागते जा रहा है। जहाँ पर मार्केट बड़ी घबराई हुई स्थिति में है, हमेशा ऊपर की तरफ जाती जा रही है। 37% 37 का पीई चल रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर्स को घबराहट की दृष्टि से देखना चाहिए। तो उसमें अगर आप ये जो शेयर्स मैं बता रहा हूँ आप ले भी लेते हैं, और अगर ये शेयर गिरते भी है फ्यूचर में, तो इन शेयरों में वो हिम्मत है कि ये गिरने के बाद उठना जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये क्राइसिस आया था, क्राइसिस के बाद ये शेयर देखिए कितना गिरा था। यहाँ पर अगर हम देखें ना, 40 50% गिरा था, बट उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि ये शेयर ऑल टाइम हाई, मतलब बेहतरीन रिटर्न्स देने वाले शेयर है, और डिविडेंड तो देते ही है। तो इस शेयर की तरफ नज़र रख सकते हैं, और इस शेयर का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। अब एक दूसरा शेयर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, तो दूसरा शेयर भी देख लीजिए, लगभग 2472 रुपये चलने वाला शेयर है। ओके, कल की डेट में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी थी, बट इस शेयर को मैंने लगभग 1600 1700 रुपये पर भी पकड़ा था, और मैंने आपको बताया था ये लास्ट टाइम है। इसे आप नज़र में रखिए, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके। ओके, बहुत बेहतरीन शेयर है ये भी। शेयर निफ्टी 50 जब से बना है तब से है, तो इसकी तरफ आप नज़र बना के रखिए। ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस वहाँ पर कर रखिए शेयर से रिलेटेड। और ये शेयर का नाम क्या है तो बता देता हूँ, इस शेयर का नाम है HDFC। तो ये फाइनेंस सेक्टर, मतलब डेवलपिंग हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। ओके, बहुत बेहतरीन बैंक HDFC ग्रुप है। तो इस शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसे भी देखेंगे तो देखेंगे लगभग अभी भी देखिए ये लगभग 2425 इसी रेट पे चल रहा था, गिरा। ओके, और मैंने जब यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर आया था ना, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि आप इसकी तरफ निगाहें बना सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न से। देखिए 51% के रिटर्न अब भी दिए। तो ये शेयर वो हमेशा चलने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जब भी गिरावट आई है तो ये शेयर हम गिरे तो है ही, जैसे मार्केट गिरती है तो ये भी गिरते हैं, बट बढ़ना जानते हैं, भागना जानते हैं, और ऊपर की तरफ ही जाते हुए जाने जाते हैं ये शेयर। तो इसलिए इन शेयर की तरफ नज़र बना के सक सकते हैं। अगर फ्यूचर में जैसे कि बता रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, अगर गिरती है तो ये शेयर एक्यूमुलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी भी मौका मिलता है तो बाय ऑन डिप्स इन शेयर पर जरूर करिएगा। इसके अलावा एक और से शेयर की बात करता हूँ, तो ये शेयर का नाम अभी बताता हूँ। इसका प्राइस देखिए 655 चल रहा है। ओके, 5 डेज 1 मंथ। इस शेयर से रिलेटिव मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तब भी मैंने आपसे कहा था कि शेयर को अपने रडार पर रखिए, क्योंकि ये शेयर वो शेयर है जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देंगे। और अभी भी इसका टारगेट जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 1000 की, आने वाले टाइम में ये 1000 पहुंच जाएगा। और निफ्टी 50 में अभी इसकी एंट्री मिली है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए तो 2017 में ही आया था। ओके, और बेहतरीन, मतलब जैसे कहते हैं ना,
वॉलेटिलिटी तो आपको दिखाई दिया बट हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ शेयर दिखाई ही दिया है, तो इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं। इसका नाम भी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस सेक्टर में केवल दो ही कंपनी है, SBI और HDFC जो लिस्टेड है, तो इसे ध्यान में रख सकते हैं, इसे अपने रिडार पर रख सकते हैं, वो बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, तो इस शेयर का जो प्राइस है लगभग 2865 रुपये है, ओके। और इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ और बताया था कि आप इस शेयर की तरफ नज़र बना के और देखिए, अभी भी ऑल टाइम हाई से अगर बात करें, 52 वीक हाई की बात करें, तो 4000 पे ही शेयर हुआ करता था कभी, जो मैं दिखाऊंगा आपको। और देखिए अभी भी 15% डाउन है, तो ये सेक्टर वो सेक्टर है कि जैसे जैसे मार्केट में लोग आएंगे, ओके, इस शेयर में ग्रोथ होती हुई हमें नज़र आएगी। क्यों होगी वो अभी बताता हूँ, पहले इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है HDFC AMC, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो काम क्या करती है, म्यूचुअल फंड। तो जैसे अभी तो देखिए लोग आ रहे हैं, ओके, रोबिन हुड बने हुए हैं सबके सब, और नए इन्वेस्टर भी आके कहीं भी पैसा डाल देते हैं और कहीं भी उनका पैसा बन जाता है। बट जब एक बार क्रैश जिस टाइम आएगा, ओके, तो लोग डर के भागेंगे और लोग दोबारा म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ही है एक तरीके से। और म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस ग्रो होगा, जब बिजनेस ग्रो होगा तो आपको रिटर्न्स दिखते हुए मिलेंगे। और ये कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो फ्यूचर में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है। बट फ्यूचर का मतलब 1-2 साल नहीं है, 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ। ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स और आपको करोड़पति बना सकती है आने वाले टाइम में। तो ये जो चार है, अगर देखिए यहाँ पर ये 4000 रुपये तक कभी पहुँचा था, 52 वीक हाई तो 34, बट ये कभी यहाँ पर देखेंगे तो 3700-3800 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था। तो इसमें इतना कैलिबर है, अगर यहाँ से भी हम देखें तो लगभग 22% अभी भी डाउन है, तो अभी भी आपके पास मौका है। और इससे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2018 में आई थी, तो ये इसकी तरफ भी निगाह बना के रखिए। फ्यूचर में ये जो चार HDFC ग्रुप के जो ये चार है, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ और HDFC AMC, ये आपको फ्यूचर में, ओके, बहुत मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे, तो इसकी तरफ आप निगाह बना के रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप जरूर हेल्प ले लीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके नीचे लिंक दिया हुआ है, तो इससे क्लिक करेंगे तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।